स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास टेंथ के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे रस खान के सवैये। जी हाँ, और रस खान का जो पहला सवैया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका हम आपको संदर्भ लिखने का तरीका बताएंगे और आपको ऐसी व्याख्या बताएंगे कि आपको इसकी व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज के बाद आपको रस खान का जो पहला सवैया है, इसकी व्याख्या आपको रटना नहीं पड़ेगा। और साथ ही आपको काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखना है, यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में यह आ जाता है, अथवा आप जब अपनी नोट्स में लिखेंगे तो कैसे आप संदर्भ लिखेंगे, कैसे आप व्याख्या लिखेंगे और कैसे आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और रस खान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे, और जैसा कि आप जानते हैं आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। कहने का अर्थ है कि आज जन्माष्टमी है और इस पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी बेहतर तैयारी को करते रहें। तो चलिए आज हम भगवान श्री कृष्ण के दूसरे अनन्य उपासक यानी रस खान जी का सवैये का आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताते हैं। और इसके पहले के वीडियो में आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सूरदास जी के जितने भी पद हैं, जहां तक कि पद संख्या 8 तक कि मैंने आपको व्याख्या, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दी है। आप जाकर देख लें और अपनी नोट्स बना लें और अपनी तैयारी करना आरंभ कर दें अभी से बोर्ड परीक्षा की। तो आज का जो सवैया है रस खान जी का, वह कुछ इस प्रकार से है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुले गाँव के ग्वार ने, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो करे छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्बे की डारने। इसकी सबसे सरल व्याख्या क्या हो जाएगी और इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे अपनी नोटबुक में अथवा अपने बोर्ड एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको सवैये के प्रथम शब्दों को इस तरह से लिखना है, ब्लैक पेन से आपको लिखना है। आपको नोट्स में और बोर्ड एग्जाम में काला पेन और नीला पेन, कहने का अर्थ है ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है। तो आप सबसे पहले सवैये के प्रथम दो या तीन शब्दों को इस तरह से लिख दीजिएगा। जब आप किसी भी पद्यांश की व्याख्या करें, उसका संदर्भ लिखें, तो आपको उसका प्रथम से दो या तीन शब्दों को इस तरह से लिखना होता है और उसके बाद अंतिम के शब्दों को लिख देना है इस तरह से, जैसे यहाँ पर लिखा है मानुष हो तो, फिर डैश डैश है, ये सब आपको ब्लैक पेन से करना है। मैंने यहाँ पर रेड पेन का इस्तेमाल किया है, आपको रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। कदम्ब की डारन, अंतिम में क्या लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कदम्ब की डारन, तो यहाँ पर मैंने भी अंतिम में लिख दिया है कदम्ब की डारन। और इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, हेडिंग क्या डालना है संदर्भ, ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है, जिसके रचयिता कविवर रस खान जी हैं। कौन हैं?
कविवर रसखान जी हैं। सवैये के रचयिता कौन हैं? कविवर रसखान जी हैं। अब आपको संदर्भ लिखते समय कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे यहाँ पर प्रस्तुत पद या पद्यांश, आप पद लिखें या पद्यांश लिखें। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। यहाँ पर मैंने रेड पेन से लिखा है, आपको ब्लैक, सिर्फ ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है और ब्लू पेन का यानी नीले पेन का इस्तेमाल करना है। के काव्यखंड, काव्यखंड को भी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। में संकलित सवैये, सवैया यानी शीर्षक का नाम, पाठ का नाम आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। शीर्षक से अवतरित है जिसके रचयिता कविवर रसखान जी हैं। रचयिता कौन है? कविवर रसखान जी हैं। कवि का अथवा रचयिता का नाम आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। तो अब रसखान जी का जो ये सवैया है, इसकी हम आपको ऐसी व्याख्या बताएंगे कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और हम आपको इसी तरह से हिंदी काव्य खंड से रिलेटेड, हिंदी गद्य खंड से रिलेटेड, हिंदी व्याकरण खंड से रिलेटेड और हिंदी संस्कृत खंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो के द्वारा आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 की विधिवत तैयारी करवाएंगे। आपको प्रत्येक चैप्टर से, चाहे वो काव्य खंड का हो, चाहे वो गद्य खंड का हो, चाहे संस्कृत खंड का हो, चाहे व्याकरण खंड का हो, सभी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे इस चैनल पर, और जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल सही ढंग से हो जाएगी। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? मानुसे हों तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारे ने, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारने। कविवर रसखान भगवान श्री कृष्ण अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, मानुष हो तो वही रस खाने, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य की योनि में जन्म लूं या मनुष्य बनूं, तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मेरी इच्छा क्या है कि मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के मध्य निवास करूं। जो पशु हों तो कहां बस मेरो, और चरो नित नंद की धेनु मझारन, मेरा जन्म मनुष्य योनि में ही हो या मनुष्य के रूप में ही हो, यह मेरे बस की बात तो है नहीं, लेकिन एक इच्छा जरूर है कि जो पशु हों, यदि मैं पशु की योनि में जन्म लूं तो क्या करूं? चरो नित नंद की धेनु मझारन, मैं नंद बाबा की गायों के साथ नित्य चरा करूं, ये मेरी परम इच्छा है। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से ब्रज की रक्षा के लिए अपने हाथों पे या अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। जो खग हो तो बशेरो करो, मिली कालेंदी कूल कदम्ब की डारन, और यदि मैं पक्षी की योनि में जन्म लूं तो मेरी यही कामना है कि मैं यमुना के तट पर किसी कदम्ब की वृक्ष की डाल पर ही निवास करूं। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? मानुष हों तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, हे प्रभु यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के मध्य निवास करूं, तो ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के साथ ही मेरा निवास हो। आगे रसखान जी क्या कहते हैं कि जो पशु हों तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। आगे कहते हैं कवि रसखान, परंतु मनुष्य योनि में ही मेरा जन्म हो, यह मेरे बस की बात नहीं है। परंतु मेरा जन्म मनुष्य के रूप में ही हो, यह मेरे बस की बात तो है नहीं, परंतु मेरी इच्छा है कि यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो इतनी कृपा करना कि मैं नित्य प्रति नंद की गायों के मध्य ही चरा करूं। मेरा जन्म यदि किसी पशु की योनि में होता है
तो भगवान श्री कृष्ण आप इतनी कृपा करना कि मैं नंद बाबा की गायों के साथ नित्य प्रति चरा करूं, पाहन हो तो वहीं गिर को जो धरो करे छत्र पुरंदर धारण। आगे कबीरस खान क्या कहते हैं कि हे प्रभु हे भगवान, यदि मुझे पत्थर ही बनना पड़े तो मेरी यही प्रार्थना है कि मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र से ब्रज की रक्षा करने के लिए अपने हाथ पर धारण किया था। हे प्रभु पाहन हो तो वही गिर को जो धरो करे छत्र पुरंदर धारण। यदि मुझे पत्थर ही बनना पड़े तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से ब्रज की रक्षा के लिए धारण किया था। आगे कबीरस खान जी क्या कहते हैं, जो खग हो तो बशेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। और यदि मैं पंछी की योनि में जन्म लूं तो मेरी यही कामना है कि मैं यमुना के तट पर किसी कदम्ब के वृक्ष की डाल पर ही निवास करूं। और इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य और पहला ही बिंदु लिखा जाएगा जो आपके पद्यांश के अंतर्गत जिसके बारे में दर्शाया गया हो। तो यहाँ पर कबीरस खान ने श्री कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित किया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति कबीरस खान ने अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित किया है। और दूसरा बिंदु है भाषा, तो यहाँ पर भाषा कौन सी है दिए गए सवैये में, ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। और यहाँ पर रस कौन सा है, शांत एवं भक्ति रस है, शांत एवं भक्ति रस है। अगला बिंदु है छंद, तो यहाँ पर छंद कौन सा है, सवैया छंद है। और अगला बिंदु है अलंकार, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है दिए गए सवैये में। तो उम्मीद है आपको रसखान का यह पहला सवैया जिसका संदर्भ मैंने आपको लिखना बताया है, व्याख्या लिखने का तरीका बताया है और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बताया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद।